नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं TVS की वीगो ड्रम वेरिएंट के बारे में। फ्रेंड्स, कई टाइम से मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि वीगो के बारे में वीडियो बनाएं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, वीगो के अंदर दो टाइप आते हैं, एक तो डिस्क टाइप आता है और एक आता है ड्रम टाइप। डिस्क टाइप का जो प्राइस आता है वो है 58,000 रुपीज़ एक शोरूम, और 55,000 रुपीज़ ड्रम का प्राइस है जो आप सामने देख रहे हैं। ये ड्रम वेरिएंट है इसका, और इसके जो फ्रंट और रियल व्हील दोनों हैं उसके अंदर आपको ड्रम ही मिलेंगे, आपको डिस्क नहीं दिया जाता है। फिर अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी हेडलाइट के बारे में, तो आपको हेडलाइट्स यहाँ दी जा रही हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आगे की अगर लुकिंग की बात करें तो गाड़ी की लुकिंग बिल्कुल A1 है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी मिलती है। फिर फ्रेंड्स अगर बात करें इसके इंजन के बारे में, तो आपको इंजन के जो पावर है वो आपको 8 BHP की पावर मिलती है, यानी कि 8 PS की आपको पावर दी जा रही है, और टॉर्क भी आपको 8 का ही मिलता है, 8 Nm का टॉर्क आपको दिया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। फिर अगर फ्रेंड्स बात करें इसके रियर के बारे में, तो रियर की वजह से जो लुक है इसका वो बहुत शानदार आता है। आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही शानदार लुक है इसका रियर का, और ये आपको अलग से एक्सेसरीज है जो सिर्फ और सिर्फ डेकोर के लिए है और कुछ नहीं है। फिर अगर देखा जाए फ्रेंड्स इसके सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें, तो आपको फ्रंट सस्पेंशन इनलाइन दिया जा रहा है, और रियर सस्पेंशन आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है। फिर अगर फ्रेंड्स बात करें स्टोरेज के बारे में, तो सबसे पहले तो बता दूं कि आपको ये हुक दिया जा रहा है यहाँ पे। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें भी आप अपना कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है लगता है मुझे TVS की गाड़ियों के अंदर। जैसे कि अगर आप इसको खोलते हैं पेट्रोल की साइड में, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आप इसका पेट्रोल बाहर से ही भरा सकते हैं, आपको इसके लिए पूरी सीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ पुश से ही बंद हो जाता है। फिर फ्रेंड्स अगर आपने चाबी वापस लगाई और अगर आपने इसको इधर किया, तो ये इसका बूट ओपन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल ही फ्री बूट दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप आराम से अपना एक हेलमेट पूरा स्टोर कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्टोरेज आपको इसके अंदर TVS ने प्रोवाइड करी है। फिर फ्रेंड्स आप जैसा कि देख रहे हैं गाड़ी को, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है ये। एस कंपेरिज़न अगर आप कर सकते हैं, तो आपको 110 cc का इंजन दिया जा रहा है। कंपेरिज़न करने के लिए ये बनी है एक्टिवा से, मैस्ट्रो से, जो कि बहुत ही अच्छा कंपेरिज़न कर सकती है। TVS ने उसको निकाला और बहुत टाइम से मार्केट के अंदर छाई हुई है। बस सबसे बुरी चीज़ इसकी है कि आपको 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज TVS बताती है, और इसका माइलेज आपको 54 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। इस वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है इस गाड़ी का, और कई टाइम्स पे इस गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक पिकअप स्कूटर लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सजेशन दूंगा कि आप इस गाड़ी को लीजिए। पिकअप के अंदर इस गाड़ी का जवाब नहीं है। देख सकते हैं कि फ्रंट में आपको TVS का बैज लोगों यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर अगर फ्रेंड्स बात करें इसके स्पीडोमीटर के बारे में, तो आप देख सकते हैं आपको एनालॉग स्पीडोमीटर दिया जा रहा है, डिजिटल आपको कुछ नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स के यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हेडबीम्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, किलोमीटर्स आपको यहाँ शो हो जाएंगे, लो फ्यूल इंडिकेटर आपको ये दिया जा रहा, आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है जो कि वो भी डिजिटल नहीं है। फिर अगर फीचर्स की बात करें, तो आपको ओल्ड कार गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे हेडलाइट्स के दिए जाते हैं, न्यू गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। सेल्फ स्टार्ट ये रहा, हॉर्न ये रहा इसका, इंडिकेटर्स ये रहे, और ये आपको दिया जाता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। हेडबीम्स का ऑप्शन आपको मैन्युअली सारी चीज़ें इसके अंदर एडजस्टेबल करनी है। दूसरी एक एडवांटेजेस कि कई बार ऐसा होता है कि जो रियर आदमी जो बैठता है उसके लिए ये नहीं खुलता है, जो एक्टिवा के अंदर यहाँ नीचे की तरफ दिया जाता है वही इसको ऊपर की दिया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा मेरे को अच्छा लगता है। और अगर पूरे ओवरऑल लुक के बारे में बात करें, तो A1 5 में से 5 स्टार इसको देने चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा गाड़ी की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है, और नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है।